रजनीकांत की बेटी और दामाद ने नेशनल अवार्ड्स में करवाया फेरबदल। किक सुल्तान, रोबोट शिवाजी, एक था टाइगर, सिंघम, क्रिश, बॉडीगार्ड और ऐसी कई फिल्मों की सक्सेस का कारण था इस फिल्म का एक्शन और स्टंट। और जब फिल्मों में एक्शन और स्टंट दिखाने वाले पर्दे के पीछे हुनरबाजों को सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या और दामाद धनुष ने नेशनल अवार्ड की कैटेगरी में शामिल करवा ही लिया। खबर यह है कि अपने जानलेवा एक्शन और स्टंट के जरिए फिल्मों में जान फूंकने वाले कलाकारों को अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में खास जगह मिलेगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस कैटेगरी में स्पेशल अवार्ड शुरू करने का फैसला कर दिया है। अगले साल ऑर्गेनाइज होने वाले 64वें नेशनल फिल्म अवार्ड में फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट स्टंट डायरेक्टर का एक अवार्ड शामिल किया जाएगा। खबरों की माने तो स्टंट के इस नए सम्मान को शामिल करने के लिए रजनीकांत के दामाद धनुष ने मिनिस्ट्री को लेटर लिखा और फिल्म प्रोडक्शन से रिलेटेड इस बेहद इम्पोर्टेंट आर्ट को अवार्ड्स की कैटेगरी में शामिल करने का अनुरोध किया। ऐश्वर्या और धनुष के पत्र के बाद मिनिस्ट्री ने डिस्कशन किया और ये डिसाइड किया कि बेस्ट स्टंट के साथ तीन और नए अवार्ड्स को भी शामिल किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने श्रेणी में सम्मिलित सभी नए अवार्ड्स को अगले साल से लागू करने की परमिशन दे दी है। इसके बाद ही मंत्रालय ने बेस्ट ऑडियोग्राफी, लोकेशन और साउंड रिकॉर्डिस्ट जैसी विधाओं को नेशनल अवार्ड की कैटेगरी में शामिल कर लिया है।